Hello everyone, welcome back to Easy Nursing Platform. Today we are going to study about otalgia. अब otalgia होता क्या है? जब भी हमारे कान में किसी भी तरह का किसी भी रीज़न से कोई भी पेन हो उसे मेडिकल टर्म्स में हम बोलते हैं otalgia. मेडिकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब पेन इन द ईयर इज टर्म्ड एज otalgia. अब इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं? फर्स्ट हमारे पास इन्फेक्शन. इन्फेक्शन हमारा मेनली बैक्टीरियल, फंगल या फिर वायरल इन्फेक्शन होता है. जब हमारे कान में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन, उसके कारण जो हमारी ईयर कैनाल होती है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाए, वो भी हमारा एक कोज होता है otalgia का. सेकंड हमारे पास ट्रोमा. ट्रोमा में कोई भी इंजरी हो या फिर किसी भी कोई भी एक्सीडेंट हुआ हो जिससे हमारे जो हमारा ईयर है उसको अफेक्ट किया उसने, तो वो भी हमारे कोज हो सकता है otalgia का. नेक्स्ट हमारे पास रेफर्ड पेन. आप सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आपको ठंड लग जाती है या फिर आपके दांतों में दर्द होने लग जाता है तो आपके कान में भी दर्द होता है, तो उसे हम बोलते हैं रेफर्ड पेन. पेन परसीव इन द ईयर ड्यू टू इश्यूज इन ईयर बेस्ट स्ट्रक्चर्स लाइक थ्रोट एंड टीथ. नेक्स्ट हमारे पास है साइन एंड सिम्टम्स. साइनस सिम्टम्स में अगर मान लो कि हमारे otalgia क्या है, पेन इन द ईयर, तो फर्स्ट साइनस सिम्टम क्या होगा? ईयर पेन और डिस्कम्फर्ट. सेकंड होगी इचिंग. थर्ड होगा ईयर ड्रेनेज. अगर हमारे कान में दर्द है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हमारे ईयर में से कोई भी वाटर डिस्चार्ज हो या फिर फर्स्ट डिस्चार्ज हो. नेक्स्ट हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी में फर्स्ट हमारे पास ट्रोमा या फिर इन्फेक्शन. एटियोलॉजिकल फैक्टर्स में था हमारा ट्रोमा इन्फेक्शन. अगर ट्रोमा इन्फेक्शन होगा उसके कारण क्या होगी? इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर कैनाल. इन्फ्लामेशन हो गई ईयर कैनाल की, जो हमारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं और कीमोटैक्सिस ऑफ ल्यूकोसाइट्स होते हैं, उनका क्या होगा? रिलीज. अब जो हमारे कीमोटैक्सिस ऑफ ल्यूकोसाइट्स, उनका काम क्या होता है? जो भी हमारे केमिकल सिग्नल्स होते हैं ईयर में परसीव होते हैं, उनके तरह वो क्या करते हैं? मूव करते हैं ताकि इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर सकें. नेक्स्ट हमारे पास टिश्यू एडिमा, पेन, हीट एंड रेडनेस. टिश्यू एडिमा क्या होता है? व्हाट इज एडिमा? जब भी हमारे टिश्यूज के अंदर कोई भी फ्लूइड फिल हो जाए, एब्नॉर्मल फ्लूइड फिल हो जाए, तो वो क्या होता है? एडिमा. नेक्स्ट हमारे पास डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस. फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन. सेकेंड इज ऑटोस्कोपी. ऑटोस्कोपी क्या है? हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं ऑटोस्कोप का, उसे हम कान के अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि जो हमारा ईयर कैनाल है, ईयर ड्रम है, जो हमारा इंटरनल ईयर स्ट्रक्चर है, उनको हम मॉनिटर कर सकें कि उनमें कोई भी फॉरेन बॉडी अटक रखी हो या फिर किसी भी को इंजरी हो रखी हो, उससे हम एग्जामिन करते हैं. देखो जो ये हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट इसे हम बोलते हैं ऑटोस्कोपी. ऑटोस्कोपी को हम ईयर के अंदर वो करते हैं प्लेस ताकि हम ईयर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को एग्जामिन कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थर्ड डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, जो कि हमारी ऑडियोमेट्री. ऑडियोमेट्री आप नाम से देख सकते हो, ऑडियोमेट्री मतलब कि जो हमारे ईयर की हियरिंग कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसको मेजर करते हैं कि हाँ हमें कितना सुनाई दे रहा है, कितना सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो होते हैं हमारी ऑडियोमेट्री एबिलिटी टेस्ट to examine the ability of hearing. Next हमारे पास management. Management first हमारे पास है analgesics. Analgesics क्या होते हैं? Pain reliever medications होते हैं analgesics. वो medication जो हमारे pain को कम करने में help करें, उन्हें हम बोलते हैं analgesics. इसके example है acetaminophen और ibuprofen. Next हमारा antibiotics. Antibiotics हम क्यों देते हैं? ताकि जो भी हमारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन्स हों वो कम हो जाए. बैक्टीरिया इन्फेक्शन्स को कम करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं. इसका एग्जांपल है सिट्राजीन और अमोक्सिसिलिन. नेक्स्ट हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट. अब देखो ईयर में किसी भी तरह का पेन है तो उसके लिए हम कोई सर्जरी तो कर नहीं सकते, पर हाँ मेडिकेशन दे सकते हैं, तो इसकी कोई भी सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होती है. थर्ड हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट. नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है? फर्स्ट है पेशेंट एजुकेशन. पेशेंट को हम एजुकेट कर सकते हैं
कि जब भी तुम्हारे कान में कोई पेन हो तुम्हें क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिकेशन लेनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है हाइजीन गाइडेंस। पेशेंट को हम गाइड करेंगे हाइजीन के बारे में कि वो अपने कान की हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। टाइमली हम अपनी ईयर वैक्स को वो निकलवाएंगे ताकि कोई भी इन्फेक्शन या फिर एक्सेसिव इनबिल्ड ऑफ ईयर वैक्स ना हो। नेक्स्ट हमारा इमोशनल सपोर्ट। जब भी कोई भी बीमारी हो जाती है या फिर कोई भी इशू आ जाता छोटा मोटा तो पेशेंट ज़्यादा बहुत डर जाता है, तो उस केस में हम उन्हें वो देते हैं इमोशनल सपोर्ट ताकि वो उस बीमारी से ज़्यादा जल्दी बाहर निकल सकें। तो ये था हमारा ओटैल्जिया। आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फॉरेन बॉडीज इन द एक्सटर्नल ईयर। थैंक यू।